यार आप देखें 28 मई को छुट्टी, 79 ईयर हो गए अमेरिका को एटम बम बनाए, उन्होंने आज तक छुट्टी नहीं की थी, और वो वाइस मुल्क है जिसने चलाया भी है। अच्छा, जिनके ऊपर चलाया उन्होंने भी छुट्टी नहीं की, ना रशिया ने की, ना बरतानिया ने की, ना फ्रांस ने की, ना चाइना ने की, ना इंडिया ने की, ना कोरिया ने की। हम अनोखे हैं कि 26 साल बाद हमें ख्याल आ गया जी तो छुट्टी करनी थी इस दिन। तो एक्चुअली हमने छुट्टी की क्योंकि हमें छुट्टी चाहिए थी टेक्निकली, और एक ही बात समझ आ रही थी मुल्क में बड़ा क्या होने जा रहा है, नंबर एक। नंबर दो, ये दो ऑर्डिनेंस जो दो आए हैं उनके अगर आप ऊपर गौर करें तो इस वक्त गवर्नमेंट को सिर्फ एक चीज़ का इशू है, गवर्नमेंट चाहती है कि इमरान खान बाहर आए, पूरा सिस्टम चाहता है कि इमरान खान बाहर आए। लेकिन जिस तरह इमरान खान बाहर आना चाहता है वो उसको वैसे बाहर नहीं लाना चाहते, वो चाहते हैं कि इमरान खान उस तरीके से बाहर आए जिस तरीके से पाकिस्तान में एक पैटर्न बना हुआ है बाहर आने का। मेरी बात आप समझ रहे हैं, जैसे आज हमारे शायर को बाहर लाया गया, वो एक ऐसे तरीके से बाहर लाया जाए कि बंदे का डंग मार दे उसके बाद बंदा बाहर आ जाए। इमरान खान कहता मैंने बाहर भी आना है और डंग भी मेरा सही रहेगा, तो वो उस तरह बाहर नहीं आने देना चाह रहे, वो ये चाह रहे हैं कि इमरान खान बाहर ज़रूर आए लेकिन एक ऐसे तासुर के साथ आए जिसमें डील का एक वर्ड इस्तेमाल किया जा सके। अच्छा इमरान रियाज साहब, बताइएगा कल नवाज शरीफ की तकरीर और शहबाज शरीफ की जो तकरीर थी, क्या लग रहा था आपको? ऐसे लग रहा था दोनों को इमरानियात पढ़ रहे हैं। जो दोनों भाइयों ने और जो पूरी पार्टी ने कल सारी बातचीत की है वो इमरान खान पे की है। मुझे तरस आना शुरू हो गया इनके ऊपर, यकीन करें आप। इमरान खान ने कहा था मैं इनको रुलाऊंगा, लेकिन ये नहीं बताया था कि इतना ज़्यादा रुलाऊंगा। मुझे बहुत बुरा लगना शुरू हो गया, आई फील बैड फॉर देम, कि वो बेचारे सुबह उठते हैं इमरान खान, शाम होती है इमरान खान, मुल्क से बाहर इमरान खान, मुल्क के अंदर इमरान खान, कैबिनेट में बैठते हैं इमरान खान, इवान में बैठते हैं इमरान खान। यार एक आदमी जेल चला गया, भूल जाओ उन्होंने हम तुम, लेकिन ये उसको भूल ही नहीं पा रहे हैं। ये इतने ज़्यादा परेशान है कि हर जगह पे उसका नाम ले, भाई कल यौम तकबीर आप मना रहे थे उसमें आपको नाम लेना दिया था मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का, आप डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम नहीं ले रहे, आप इमरान खान का नाम ले रहे हैं बार बार। तो इमरान खान इनके आसाब के ऊपर सवार हो गया, और वो एक बात कही थी ना कि इमरान खान तो होगा, तो वो प्रॉब्लम इनके इनको फेस करना पड़ रहा है, और एग्जैक्टली हबीब अकरम साहब का जुमला जो है वो साबित हो रहा है। पंजाब में जो कानून पास हुआ मीडिया के हवाले से, तो क्या आप भी मोहतात हैं इस वाले? नहीं, मोहतात किस बात का भाई, मैं तो इसको 2 साल से भुगत रहा हूँ। आप लोगों के लिए इनको ज़रूरत होगी हद तक इज्जत के कानून की, मेरे लिए उनको ज़रूरत नहीं है। 2 साल से ये कानून मेरे ऊपर लागू है, मिनट बाद मैं किसी ना किसी की हद तक कर देता हूँ, मिनट बाद किसी ना किसी की इज्जत जो है वो मेरी वजह से कहते हैं जी मजरूह हो गई है, और एक भी केस साबित नहीं कर पाए, एक भी। चले मैं आज एक बात कहता हूँ, इन्हें लगाए मेरे ऊपर हद तक इज्जत करो, नवाज शरीफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुजरिम है, ये वो आदमी है जिसने जमहूरियत के खिलाफ सबसे ज़्यादा साजिश की है, ये वो आदमी है जो रिकॉर्ड के ऊपर है जिसने एजेंसियों से पैसे लेकर इस मुल्क के अंदर हुकूमतें गिराई हैं, ये वो आदमी है जिसने हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को घर भेजा है। लॉक करो केस, इन्हें उनको मेरे कर दे केस, चैलेंज कर रहा हूँ मैं। सर आपका हज को जाने का इरादा है? हाँ जी, मेरा मेरा तो जाने का इरादा है, जिस तरह के सवाल आते हैं आप लोग मुझे लगता है आपका भेजने का इरादा है। लेकिन नवाज शरीफ ने मुबशर लुकमान को अपना गवाह बना लिया है, मुबशर लुकमान साहब की माजी की बहुत सारी गवाहियाँ निकाल के लोगों ने कल से अब तक पेस्ट कर दी है, तो मियाँ साहब को काफ़ी अफाका हो गया होगा। इज्जत केस का सर फैसला आना था शाहरुख अर्जुमंद, लेकिन वहाँ एक गुंजाइश मौजूद थी, वो मैं सदीक जान से पूछ रहा था, मैं कहा ये इसका तो फैसला आना था सदीक, ये फिर केस लग गया। उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा था कि अगर वो दलाइल देना चाहें अब्बासी साहब, तो अब्बासी साहब एमरजेंसी में वापस पहुंचे, उन्होंने कहा मैं दलाइल देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आज जज साहब को फैसला दे ही देना चाहिए, सर और ना लड़के चले गए, साबरमानिका को मार पड़ गया। मालिका ने कहा है कि आप पे हमें एतराज़ है, आप फैसला नहीं दे सकते। जज साहब उठ के चले गए चैम्बर में, उन्होंने अब हाई कोर्ट को खत लिखा कि मैं फैसला दूँ या ना। चाहता भाई भी आप चीफ जस्टिस साहब को लिखा है, चाहता भाई मानिका को मार भी पड़ी है सर वहाँ पे। किसने मारा? और सर वकीलों ने और औरतों ने बोतलें मारी हैं। देखिए औरतें मारे एक अलग बात है, वकीलों को नहीं मारना चाहिए। देखिए औरतों में ये औरतों के जज्बात हैं इस बारे में, क्योंकि ये पाकिस्तान की जो अदलिया की हिस्ट्री है उसका एक अनोखा ही केस है, और जितना गन डाला गया पाकिस्तान की औरतें इस पर बड़ी दिल बर्दाश्ता है, उन्होंने अगर कोई रिएक्शन दिया है तो वो एक अलग बात है। और खवातीन कितना का मार देंगे किसी को, एक धक्का मार देंगी, किसी को गाली दे देंगी, या खड़ी होगी किसी को कंडम कर देंगी, खवातीन इतना ही कर सकती है, लेकिन किसी मर्द को हाथ नहीं उठाना, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। खवातीन नहीं मारती, खुसरे बहुत मार यार मैं इस्लामाबाद प्लीज आई जी आज आया हुआ, तो मैंने इनसे पूछना था, मैंने कहा यार तेरे को अभी तक 4 खुसरे नहीं पड़े। इमरान भाई ये बताइए मियाँ साहब को सच्ची मोहब्बत क्यों नहीं मिली? कहाँ ले गए? मैंने आज वैसे मैं आपको पहले बता दूँ थोड़ा सा, 2022 में मैंने हज में जाना था तो मुझे गिरफ्तार कर लिया इन्होंने और वो हज मेरा रह गया। 2023 में मैंने हज में जाना था, मैं अगवा हो गया, फिर मेरा हज रह गया। 7 दफ़ा मैं गिरफ्तार हुआ हूँ, 2.5 दर्जन मुकदमे। मैंने अदालत में भी कहा, मैंने कहा सर ये तो चलते रहेंगे,
अभी 2.5 दर्जन मुकदमे हैं, किसी में कुछ नहीं हो सका, आइंदा भी नहीं होगा। मैं अगर आज करके आ जाऊँ फिर निमट लेते हैं सर, दोबारा मुकदमे आ जाएंगे, फिर लड़ लेंगे मुकदमे। यही मेरा मुल्क है, यही मैंने रहना है। मैंने अभी प्रॉपर्टी खरीदी है थोड़े दिन पहले, मैं इसको छोड़ के कहाँ जाऊँगा? यानी मैं जब वापस आया, जब मैं अगवा था, वापस जब मैं आया तो मैंने आने के बाद यहाँ पे पाकिस्तान में जो बचे हुए पैसे थे वो भी खर्च कर दिए कि मैं यहाँ से जाऊँ ही ना, मैंने इधर ही रहना है, यही मेरा मुल्क है। ये मुकदमे दोबारा भी होंगे, ये कोई आखिरी मुकदमा तो नहीं हुआ मेरे पे तौहीन आई जी का, और भी मुकदमे होंगे। अभी मैं जाऊँगा, हज करूँगा, वापस आऊँगा, फिर जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा, इधर ही रहूँगा, लेकिन मेरे पास आज़ादी होनी चाहिए ट्रैवल करने की। जहाँ मैं जाना चाहूँ मैं जाऊँ, और जब मैं वापस आना चाहूँ मैं आऊँ। ये आज़ादी क्योंकि सारे पाकिस्तानियों के पास होती है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, अदरवाइज़ हूँ मैं यहीं पे इंशाल्लाह। और जितने मुकदमात मजीद होंगे उनको भी फेस कर लूँगा, 2.5 दर्जन किए हैं तो बाकी भी कर लेंगे इंशाल्लाह। इमरान साहब, आपने अदालत को कहा है गुफ्तगू करते हुए कि अगर आप मोहसिन अख्तर के यहाँ नहीं होते तो शायद मुझे इतने अरसा जेल में ना गुजारना पड़ता। जेल में नहीं था मैं, वहाँ अगवा थे या जो भी आपको किया गया था, इस हवाले से आपने जिक्र अदालत। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जेल जो है ना वो तो वॉकिंग इन द पार्क है, जेल जो है वो वॉकिंग इन द पार्क है। मैं अभी जेल में बंद हुआ 20 दिन, मेरा 1 किलो वजन बढ़ गया था। अगर सवाल में जी भाई प्लीज, ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने उनको जिक्र किया, हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं कि जजेस पॉलिटिक्स नज़र आती है हमें, तो क्या ये कहीं ये केस जो है खासकर मिसिंग पर्सन का कहीं इसका शिकार तो नहीं हो जाएगा? देखिए, आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, एक शायर और एक सहाफ़ी को उसके अगवा के मामले में, आप सब यहाँ पे सिर्फ इसलिए नहीं आए कि आप इसको रिपोर्ट करना चाहते हैं। मैं ये देख रहा था आप में से अक्सरियत उस तरफ खड़ी थी जिस तरफ मुद्दई खड़ा होता है केस का, कि हमें हमारा बंदा वापस चाहिए, और ये आप सबके दिल की आवाज़ भी थी। ये आवाज़ कोई भी सुने उसका शुक्रिया ही अदा किया जा सकता है और उसको अप्रिशिएट किया जा सकता है। इसके ऊपर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने अपनी जिम्मेदारी अदा की है ना, अपना फ़र्ज़ अदा किया है उन्होंने। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि आउट ऑफ द बॉक्स जा गए, आउट ऑफ द वे जा गए, उन्होंने कोई चीज़ हमें लेकर दे दी हो जो कानूनन हमें वो हमारी वो नहीं बनती थी और उन्होंने हमें दे दी, ऐसा नहीं हुआ। फेयरनेस दी, उन्होंने हमें कानून के मुताबिक इंसाफ दिया। हम उनके शुक्रगुजार इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे इंसाफ मिलता नहीं है नॉर्मली। जहाँ तक अदलिया पोलिटिसाइज हो रही है, आप वो कह रहे हैं भाई वो अब से थोड़ी हो रही है, वो तो बहुत पुराना सिलसिला है, उम्मीद करते हैं कि कभी रुक जाएगा इंशाल्लाह। इमरान साहब, आज बड़ा खुशी का दिन है, आपका नाम भी सेल से निकल गया, अहमद फराद शायद भी वापस आ गए। जब भी कोई खुशी आती है एक वीडियो बड़ी वायरल होती है आपकी, हम शक्ल बंदा है उसकी। अच्छा यार, वो टैलेंट मेरे में नहीं है। मैंने ना बचपन में 4-5 दफ़ा कोई शादियाँ वादियाँ आती है, मैंने ट्राई व्राई किया, मेरे से हुआ ही नहीं। अच्छा, सच जो बात है वो टैलेंट ही नहीं है मेरे अंदर, और मुझे उस बात का दुख भी है। लेकिन अच्छी बात है कि मेरे से मिलती जुलती शक्ल का एक आदमी है, वो बड़ा टैलेंटेड है, उसको देख कर लोग समझ गए मैं हूँ, तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ उसको। थोड़ा सा वो और मेहनत करे तो बिल्कुल मेरी तरह हो जाएगा, मुझे भी लगेगा शायद स्मार्ट हो जाए। आप भी सोशल मीडिया यूज़र है, तो आज कोर्ट में भी सोशल मीडिया की बातगाह सुनाई दी है, जिस तरह से आज वजीर कानून ने बात की और फिर जस्टिस साहब ने भी रिमार्क्स दिए कि वो तो देखते नहीं सोशल मीडिया को, क्या लगता है कि अब बैन की तरफ कोई मामला जा रहा है या कोई मजीद सख्त शरायत लागू करने जा रहे हैं सोशल मीडिया पे? देखिए, आप दुनिया से पैसे लेकर इस्तेमाल करते हैं, जिन मुल्कों से आप पैसे लेते हैं ये उनका सोशल मीडिया है। आप एक लिमिट से आगे जाके इसको बैन नहीं कर पाएंगे। आप चाइना की तरह और रशिया की तरह खुद कफील मुल्क नहीं है, ना आपके यहाँ पर बादशाहत है। जिन मुल्कों ने ये सारा कुछ किया है वहाँ पे ये जो जमहूरी और ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ये वहाँ पे नहीं है उन मुल्कों में। हमें उन्हीं मुल्कों को फॉलो करना है जिनसे हम पैसे लेते हैं और जिनका सिस्टम हम इस मुल्क में चलाते हैं। तो आपको ये सोशल मीडिया बैन्स ख़त्म करने पड़ेंगे, या तो आप सिस्टम चेंज करें ना। आप ये कहें कि यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, हम अपना एक सोशल मीडिया बनाकर दे रहे हैं, उसके ऊपर ये चेक होगा और सिर्फ वही इस्तेमाल होगा इस मुल्क में, कोई और इस्तेमाल नहीं हो सकता। आप चाइना की एग्जाम्पल देंगे तो क्या वहाँ डेमोक्रेसी है? वो उस तरह की डेमोक्रेसी तो नहीं है। आप मिसाल दे दें रशिया की, क्या वहाँ डेमोक्रेसी है? या आप कह दें जी कि आप नॉर्थ कोरिया, आप यूएई की बात करें, कोरिया की बात करें।